आज यानी 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के शिवालय ओम नमः शिवाय के जयकारे से गूंज रहे हैं। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा और प्रसाद चढ़ाया। कई लोगों ने शहद और घी से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। आज श्रावण सोमवार के विशेष अवसर पर हम आपको बताएंगे शिवलिंग का वास्तविक अर्थ, जिसे लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं। अधिकतर लोगों में ये भ्रांति है कि शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का अंग है जो माँ पार्वती की योनि में स्थित है, जबकि संस्कृत में लिंग का अर्थ स्वरूप या प्रतीक होता है। शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ लिंग नहीं होता, ये पूरी गलत फहमी हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने और बाद में गलत व्याख्याओं के चलते हुआ। शिवलिंग में लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। जिसे लोग माँ पार्वती की योनि समझते हैं, वो दरअसल धरती उसका पीठ या आधार है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिव में लिंग जोड़कर शिवलिंग हुआ। शिवलिंग का मतलब अनंत भी है, यानी जिसका न आदि है और न अंत। शिवलिंग शिव का प्रतीक है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका न तो आदि है और न अंत। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। सृष्टि के शुरुआत में हमारे ब्रह्मांड की आकृति शिवलिंग की ही तरह थी। शिवलिंग को नर मादा मिलन से सृष्टि के निर्माण का प्रतीक कहना बेतुका है, क्योंकि ये चट्टाने, पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे जैसी चीजें नर मादा मिलन से नहीं बने हैं। इसलिए मानव अंग होने के कारण ये सार्वभौमिक सृष्टि का प्रतीक नहीं हो सकता। शिवलिंगाष्टकम शंकराचार्य द्वारा शिवलिंग के लिए लिखी गई एक प्रार्थना है। इसमें लिखा है, पराथम परम परमात्म लिंगम तत्पर्णमामि सदा शिवलिंगम। इसका अर्थ है शिवलिंग शिव के परमात्म स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं लिंग पुराण में कहा गया है, प्रधानम प्रकृतिर यदा हुर्लिंग उत्तमम। प्रधानम प्रकृतिर यदा हुर्लिंग उत्तम गंध वर्ण रशिन्नम शब्द स्पर्शादिवर्जितम। इसका अर्थ है लिंग रंग स्वाद श्रवण ये स्पर्श से रहित है, इसलिए वो कोई मानव अंग नहीं हो सकता। शिव के परमात्मा रूप का मात्र एक प्रतिनिधित्व जो श्लोक में वर्णित सभी चीजों से रहित है। कई लोगों को आपने शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हुए भी सुना होगा। दरअसल ये भाषा की अज्ञानता का दोष है। वे भूल गए हैं कि आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं। शिवलिंग की लगातार अभिषेक के साथ पूजा करनी होती है, इसलिए इसके चारों ओर एक खाई बनाई जाती है और पानी को निकालने के लिए जल निकासी की व्यवस्था की जाती है। संस्कृत में लिंग को शिष्ण कहा जाता है। अगर शिवलिंग का लिंग शब्द पुरुष अंग से जुड़ा होता तो दक्षिण भारतीय लोगों के सरनेम में इसका प्रयोग नहीं होता, जैसे लिंगा स्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम वगैरह। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। ठीक ऐसे ही हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक, नपुंसक लिंग का अर्थ होता है नपुंसक का प्रतीक। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी।